पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, समयं तत्थुवेहाय अप्पाणं विप्पसायै, अपने आप को विशेष प्रसन्न बनाने का, हैप्पी सुखी बनाने का उपाय बताया गया है। वह उपाय है समता की साधना। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां जीवन में आ सकती हैं, उनमें मानसिक संतुलन रखना, द्वंद्वात्मक स्थितियां जीवन में आ सकती हैं। शास्त्र में कहा गया है, लाभा लाभे सुहे दुखे जीविए मरणे तहा, समो निंदा प्रशंसासु तहा मानाव मान ओ। कभी लाभ हो जाए कभी अलाभ रह जाए। आदमी व्यापार करता है, व्यापार में कभी बहुत अच्छी कमाई नफा हो जाए और कभी नफा न हो, उल्टा घाटा हो जाए, नुकसान हो जाए। तो लाभ ज़्यादा होने पर आदमी को ज़्यादा खुशी नहीं करनी चाहिए, अलाभ हो जाए नुकसान हो जाए तो दुखी नहीं बनना चाहिए। सुख और दुख, कभी सुख मिले कभी दुख मिले, सुख में भी शांति और दुख में भी शांति रखनी चाहिए। सुख मिल गया तो खूब नाचना कूदना, दुख आ गया तो आदमी रोने लग जाए चिल्लाने लग जाए, दोनों में संतुलन। जीवन है तो भी शांति, जब कभी मृत्यु आए लगे मृत्यु निकट आ गई तो भी शांति रहनी चाहिए। कोई निंदा कर दे गालियां दे दे तो भी मन में शांति रखनी चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, गुस्से में नहीं आना चाहिए। और कोई प्रशंसा कर दे तो ज़्यादा फूलना नहीं चाहिए, कोई सम्मान कर दे माला पहनाए और कोई मोमेंटो आदि देकर सम्मान करे तो सम्मान में भी मानसिक संतुलन, और कोई अपमान कर दे काले झंडे दिखाना और कुछ करना, अपमान कर दे तो भी मन में शांति रखना। यह शांति का जो सूत्र है, समता का सूत्र है, यह एक भीतर से सुखी रहने का सूत्र है। राग द्वेष में नहीं जाना, यह अध्यात्म की साधना होती है। जीवन में बड़े बड़े महापुरुषों के भी कठिनाइयां आ जाती हैं, अनुकूलताएं भी आ जाती हैं। रामचंद्र जी के जीवन में वनवास की स्थिति भी आई और अनुकूलता भी। तो महापुरुषों के जीवन में भी कठिनाई आ सकती है, तो सामान्य आदमी के भी जीवन में कठिनाई आ सकती है और अनुकूल स्थितियां भी आ सकती हैं। विद्यार्थी पढ़ते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वे ज्ञान के खजाने को मानो भरते हैं।
ज्ञान निधान, ज्ञान का खजाना भरना अच्छा है। इस ज्ञान यानी भूगोल, खगोल, साइंस, मैथ्स, गणित आदि आदि विषय हैं, इनका ज्ञान भी अपने आप में एक उपलब्धि है। अब साथ में अच्छे संस्कार भी विद्यार्थियों में आए, अहिंसा, नैतिकता, संयम, नशा मुक्ति, सद्भावना, ऐसे अच्छे संस्कार भी आने चाहिए। ये जो जीवन है एक बगिया बन जाए, सुंदर बगीचा बन जाए। एक राजा था, राजा एक दिन अपने गुरु जो उनके धर्म गुरु थे सन्यासी, उनके पास गया और बोला, गुरुदेव अब क्या आदेश है? बोलो राजन, किस विषय का आदेश चाहिए? गुरुदेव अब 70 पार में हूँ, आगे की व्यवस्था की भी अब चिंता या चिंतन मन में आता है कि आगे की यानी उत्तराधिकारी की व्यवस्था कर दूं, तो आप फरमाओ कब करूं, कैसे करूं, किसको सौंपूं। सन्यासी ने कहा, ये वैसे तो तुम्हारा विषय है राज्य का, हम लोग तो धर्म के लोग हैं, इतना जरूर है कि यह भावी अधिकार है, योग्य हाथों में जाना चाहिए, योग्य हाथों में और सुरक्षित रह सके राज्य, सुरक्षित रख सके राज्य को, ऐसी संभावना लगे उन हाथों में उत्तराधिकार सुपुर्द किया जाना चाहिए। तो बोला, महाराज मुझे तो साफ फरमा दो किसको सौंपूं। सन्यासी बोला, मैं नाम नहीं बताऊंगा किसको सौंपना, तुम स्वयं ध्यान दो। एक तुम्हें परीक्षा कर लेनी चाहिए, उस परीक्षा में जो उत्तीर्ण सर्वाधिक रूप में हो उसको सौंपना चाहिए। परीक्षा कैसे करना, वो सारी विधि राजा को सन्यासी ने समझा दी। राजा बोला, गुरुदेव बड़ी कृपा की आपने, मार्गदर्शन मुझको गिरा दिया। हम लोग जो संसार के लोग हैं, राज परंपरा में हैं, पर आप संतों का मार्गदर्शन हम राजाओं के लिए भी बड़ा उपयोगी बन सकता है, इसीलिए समय समय पर हम लोग आपके चरणों में आते हैं कि संतों का एक पथ दर्शन, धार्मिक संदेश भी मिल जाए, ताकि हम राज्य में नीति के साथ अच्छे रास्ते पर चलते हुए अपनी सेवा दे सकें। राजा विदा हो गया, सन्यासी जी से पथ दर्शन मिल गया था। अपने महल में राजा पहुंचा और शाम को उसके 3 बेटे थे राजकुमार, तीनों को बुलाया और कहा, एक बात कहने के लिए तीनों को मैंने बुलाया है, फरमाइए क्या आदेश है। कि मेरी तीर्थ यात्रा करने की मानसिकता है और मैं तीर्थ यात्रा में जाऊंगा तो 8 महीने, 10 महीने और भी ज़्यादा समय भी लग सकता है। बहुत विस्तृत तीर्थ यात्रा करके लौटूंगा तो पीछे से राज्य का जो संचालन है, वैसे मैं एक टेम्परेरी रूप में मंत्री जी को जिम्मा सौंपना चाहता हूँ, तुम लोग भी ध्यान रखना, सहयोगी बने रहना। और वैसे मंत्री जी को मैं ऑफिशियल जिम्मा, जब तक मैं न लौट आऊँ तब तक का वो दायित्व सौंपना चाहता हूँ। तीनों बेटे बोले, जैसे आप ठीक समझे, हमसे जो सेवा ली जाएगी हम देने को तैयार हैं, बाकी क्या करना आप जाने। राजा बोला, एक और बात है,
मैं कल ही यहाँ से रवाना होने वाला हूँ, तुम तीनों को मैं पांच पांच बीज, फूलों के बीज हैं वो देना चाहता हूँ। तीनों बेटे हाथ आगे करने लगे। राजा ने तीनों पुत्रों को पांच पांच बीज दे दिए और बोला कि तीर्थ यात्रा करके आऊँगा, तब मैं इनके बारे में तुमसे बात करूँगा। ठीक है पिताश्री। अब वो बीज तीनों ने ले लिए, राजा ने वो गोष्ठी विसर्जित कर दी। तीनों अपने अपने महल में चले गए। अगले दिन वापिस पिताजी के पास आए और राजा ने प्रस्थान किया। कुछ दूर तीनों बेटे पहुंचाने के लिए गए, फिर राजा ने कहा बस अब हम लोग, मेरे साथ कुछ मंत्री वगैरह सेवक हैं, 8-10 लोग, हम जा रहे हैं, अब तुम वापस जाओ, अच्छी तरह रहना, अच्छा काम करना। तीनों राजकुमार लौट आए, राजा आगे बढ़ गया। अब तीनों राजकुमारों में जो सबसे बड़ा बेटा था, उसने सोचा कि ये पांच बीज दिए हैं पिताजी ने, तो पिताजी के हाथ का ग्रास है, प्रसाद है, ये तो पिताश्री कभी कभी देते हैं हमें, कल ये ग्रास दिया है, वो रखे पड़े हैं बीज, उनको तो खा लूँ, पिताजी के हाथ के दाने बीज हैं, खा लूँ। तो पांचों वो बीज अच्छी तरह खा लिए, चबा लिए। दूसरा राजकुमार था, उसने सोचा रे पिताजी के हाथ का दिया हुआ ग्रास है, ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक, इसको डिबिया में सुरक्षित रख लूँ कि पिताजी ने अपने हाथ से प्रसाद दिया है। एक छोटी सी डिबिया में थोड़ी रुई अंदर डाल के और उन बीजों को डिबिया में रख लिया, डिबिया को बंद कर दिया, पैक कर दिया, एकदम अलमारी में उस डिबिया को रख लिया। तीसरे ने अपने ढंग से कोई काम किया। 8-10 महीने बीत गए, कोई 11वां महीना आया, 12वां आया, तब राजा लौटा, महल में आ गया। तीनों बेटे सामने गए थे। शाम को तीनों पुत्रों को फिर राजा ने बुलाया, थोड़ी अपनी यात्रा की बात बताई और फिर बोला रे वो पांच पांच बीज मैंने तुमको दिए थे, उनका क्या किया? बड़े बेटे से पूछा तुम बताओ क्या किया? बोला पिताश्री आपके कर कमल से मिला हुआ प्रसाद था वह, तो मैं तो बीजों को खा गया। ठीक है। दूसरा राजकुमार, उसको पूछा तुमने बेटा क्या किया? बोला पिताजी ला रहा हूँ, अंदर डिबिया पड़ी है, डिबिया लेकर आया अलमारी से। कहा पिताजी आपके हाथ का मेरे लिए ऐतिहासिक एक प्रसाद था, तो मैंने सुरक्षित रखने के लिए डिबिया में इन पांच बीजों को रख लिया, खोला तो बीज खराब, सड़ गए थे, खराब हो गए थे। ठीक है। तीसरे राजकुमार से पूछा जो सबसे छोटा बेटा था कि बेटा बीजों का क्या किया? तब राजकुमार वह छोटा जो था बोला पिताश्री आपको थोड़ा निवेदन है, श्रम पड़ सकता है, कल सवेरे आप मॉर्निंग वॉक सवेरे प्रायः किया करते हैं, अगर कल मॉर्निंग वॉक आप करना हो तो मेरे महल में पधारो, वहाँ पीछे का जो मैदान है वहाँ मॉर्निंग वॉक आपको कराऊंगा, वहाँ मैं बीजों की बात बता दूंगा। अगले रोज अन्य दोनों राजकुमारों को भी साथ लेकर राजा छोटे राजकुमार के महल के पीछे वाले भाग में गया। तीनों राजकुमार थे, छोटा बोला पिताश्री आप देखिए यह बगीचा है, बगिया है, यह बगीचा और कुछ नहीं, उन पांच बीजों का ही यह बगीचे का रूप है, उन पांच बीजों की मैंने खेती की, बोया, उन्हीं का विस्तार होते 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 होते
यह सुंदर बगिया बन गई है जहाँ कितनी सुगंध फूल ही फूल दिख रहे हैं। यह मैंने उन बीजों से निर्मित किया है। राजा को बहुत ही अच्छा लगा कि उन दोनों राजकुमारों ने अपने ढंग से बीजों का जो करना था वो किया, इसने जो किया है वो काबिले तारीफ प्रशंसनीय है, प्रेज वर्दिया प्रशंसा योग्य है। मन में सोचा, बहुत राजा के चेहरे पर मुस्कान छा गई और फिर राजा महल में आ गया और सन्यासी जी ने जो बताया वो यही बताया था कि इस प्रकार तुमको परीक्षा लेना है। राजा ने अपना परीक्षा का फल यानी परीक्षा का परिणाम तैयार किया तो सर्वाधिक अंक छोटे राजकुमार को मिल रहे थे। तो राजा ने मन में निश्चय कर लिया कि मेरा उत्तराधिकारी बड़ा बेटा नहीं, बीच वाला नहीं, सबसे छोटा राजकुमार है बने, इसी को कभी बनाना है। बाद में एक दो वर्षों बाद जब मौका आया, बड़े अच्छे मुहूर्त में बड़ी अच्छी पब्लिक के बीच मंत्रीगण की उपस्थिति में, राज परिवार की उपस्थिति में राजा ने घोषणा की कि मेरा युवराज, मेरा उत्तराधिकारी, मैं इसको छोटे राजकुमार को घोषित करता हूँ। तो ये पांच बीजों का विस्तार करके बगिया बनाई। राजा ने कहा मेरे राज्य को भी और सुंदर रूप यह देगा, बगिया बढ़िया और बढ़िया, बगिया है भी और बढ़िया बगिया बनाएगा, ऐसी कामना करता हूँ। युवराज बना दिया और फिर भविष्य में वह राजा बन गया। तो यह हमारा जीवन है, बच्चे विद्यार्थी भी सोच सकते हैं इसको बगीचा कैसे बनाया जाए, जीवन कैसे बढ़िया बगीचा बने। बगीचा बनाने के लिए वो फूलों की सुगंध चाहिए और इधर हम लाइटें भी हो, रात में भी बगीचे में जाए तो लाइटें प्रकाश है। जीवन को बगीचा बनाने के लिए वो फूल यानी संस्कार, अच्छे संस्कारों की सुगंध, अच्छे संस्कारों के फूलों की सुगंध चाहिए, साथ में लाइटें, वो ज्ञान की लाइटें, ज्ञान का प्रकाश चाहिए। तो विद्या संस्थानों में यह ज्ञान का आदान प्रदान तो एक सामान्य बात, रूटीन परीक्षाएं भी होती होगी, परिणाम भी आते होंगे परीक्षा के, संस्कार भी दिए जाते हो सकते हैं, अच्छे ढंग से संस्कार भी दिए जाते रहें कि बच्चे सच्चे रहें, बच्चे अच्छे रहें, बच्चे हमेशा कच्चे न रहें, बच्चे फिर परिपक्व बन जाएं, उनमें ज्ञान भी हो और साथ में यह अहिंसा, नैतिकता, नशा मुक्ति, सद्भावना, संयम, ऐसे संस्कार भी बच्चों में आएं, रहें, पुष्ट रहें, तो यह जीवन बगिया बन जाता है। तो जीवन कितना अच्छा बन जाता है। तो ये शिक्षा संस्थान आज जो दुनिया में हैं, जगह जगह कितनी जगह ये विद्यालय मिलते हैं, महाविद्यालय भी कई जगह मिलते हैं और कहीं कहीं विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज भी मिलती हैं। तो ये शिक्षा संस्थान, यहाँ कितने कितने विद्यार्थी पढ़ते होंगे, कितने कितने शिक्षक, लेक्चरर, प्रोफेसर, प्राचार्य, कितने कितने पढ़ाने वाले, शिक्षा संस्थान का संचालन करने वाले लोग और इधर पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, बच्चों को संस्कारी बनाने के लिए कि ये बालक हैं तो साथ में पालक जो पेरेंट्स हैं उनकी ओर से भी अच्छे संस्कार मिलें, शिक्षकों विद्या संस्थानों में भी अच्छी बातें, अच्छे संस्कार मिलें और यों धर्मगुरुओं से भी मौके मौके पर अच्छे संस्कार मिलते रहें।
और ये मीडिया जो है, टेलीविजन, सोशल मीडिया, ये चीज़ें आज बच्चों में, ये जो मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप जैसी चीज़ें हैं, इनके लिए बड़ी उपयोगी मान लो हो सकती हैं, पर ये साथ में डिजिटल डिटॉक्स, ये अनावश्यक अति प्रयोग, मोबाइल फ़ोन आदि चीज़ों का अनावश्यक उपयोग बच्चे न करें और नशे में भी न जाएं, उनका जीवन अच्छा रहे। तो ज्ञानी और संस्कारी बाल पीढ़ी, विद्यार्थी पीढ़ी तैयार होती है तो उनके खुद के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए और विद्या संस्थान के लिए भी एक अच्छी बात हो सकती है। तो यह समता शांति की बात है। जीवन में परिस्थितियां जो भी आएं, मानसिक शांति, समता का भाव यथासंभवतया ज़्यादा से ज़्यादा रखा जाना चाहिए, तो आत्मा भी अच्छी रहे और जीवन का क्रम अच्छा रह सके।